फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम मुरमुरे का नाश्ता बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल। मुरमुरे आपके थोड़े से नरम हो गए तो इसे आप पहले सेक लीजिए। ये देखिए एकदम क्रिस्पी है, ये तुरंत उठ जाते हैं, तो मैंने इसलिए इसे सेका नहीं। अगर थोड़े से नरम हो गए तो आप धूप दिखाइए, वरना 5-7 मिनट इसे स्लो आँच पर इसे सेक लीजिए, तो ये अच्छी तरह से क्रंची बन जाएंगे। तो इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून जितनी राई, 1/2 टीस्पून जितना जीरा। राई जीरा अच्छी तरह से क्रैकल हो गया, इसमें डालते हैं करी मिर्च। साथ में डालेंगे हींग, गैस का फ्लेम लो कीजिएगा। नमक स्वादानुसार, हल्दी, इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मुरमुरे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें चलाने में आसानी हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाएगा, इसमें डालेंगे शक्कर, सौंफ का पाउडर और 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च, और इसे हम वापस चला लेते हैं। अच्छी तरह से चलाएंगे, गैस का फ्लेम लो किया हुआ है। देखिए इसे अच्छी तरह से चला लिया है, अभी गैस का फ्लेम करते हैं बंद। अभी इस तरह से ये ठंडे हो गए, देखिए कितना क्रंची है। तो हमें अभी जितना चाहिए उतना ही हम लेंगे, बाकी का साइड पर रखेंगे। अभी थोड़े हमने मुरमुरे लिए हैं, इसमें हम पहले सेव मिक्स कर देते हैं और इसे मिक्स इस तरह से मिक्स करें। अभी सेव हमने मिक्स कर दिया, अभी इसमें डालते हैं उड़द के पापड़। मैंने 3 पापड़ लिए हैं, इसे सेक लिया है। अभी इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है, अभी इसे हम रखते हैं साइड पे। अभी लिया है हमने 3 से 4 टेबलस्पून जितना दही, ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसे हम इस तरह से फेंट लेते हैं, इसे हमें मसाला वाला दही बनाना है। इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून जितना, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आइसिंग शुगर, और इसे हम मिक्स कर देते हैं। हमें इसे थोड़ा पतला बनाना है, तो इसमें हम पानी यूज करेंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया है, अभी इसे भी हम साइड पर रखते हैं। अभी लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे टमाटर,
प्याज, ककड़ी, इस पे डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। अभी इसे हम मिक्स कर देते हैं। एकदम बनेगा चटपटा। अभी हमने जो मुरमुरे का बनाया ना वो डालेंगे। इसके साथ डाल रहे हैं दही वाला जो हमने बनाया था। ये नाश्ता सबको बहुत ही सारा पसंद आएगा। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। देखो ये हमारा बढ़िया सा नाश्ता बन गया है। इसमें डालते हैं खारे सिंह। अभी इसे हम सर्व करते हैं। एकदम बढ़िया सा ना ये भेल है ना दही पूरी है, एकदम थोड़ा सा इसमें हमने मिक्स किया, बढ़िया सा टेस्टी बनाया है। वाह क्या बात है। थोड़ा सा इसे साइड पे दही का है वो डाल देते हैं। थोड़ी सी सेव, ककड़ी, और खारे सिंह, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। वाह नाश्ता हमारा रेडी हो गया, क्या बात है। ये देखिए मस्त है। देखिए इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से जरूर बनाए ना। ये भेल है ना दही पूरी इतनी बढ़िया सी आएगी कि आप बार बार इसे डिमांड करेंगे कि हमें इसी तरह से चाहिए, और बनाने भी आसान है। तो इस तरह से जरूर बनाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।